एवरीवन, आई एम प्रियल, योर ट्यूटर ऑफ इलेक्ट्रिकल साइंस फ्रॉम 1514, दैट इज़ FFT ग्रुप. आई होप आप सबको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी एंड सबको इलेक्ट्रिकल साइंस मेरे से समझ आ रहा होगा. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन एंड हैप्पी लर्निंग. हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू FFT. दिस इज़ योर ट्यूटर फॉर इलेक्ट्रिकल साइंस एंड नाउ वी आर हेयर फॉर यूनिट नंबर 4, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मर्स. आप लोगों ने इतना हमारी वीडियोस देखी हैं, सो प्लीज़ अपनी अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए बाय लाइकिंग द वीडियोस. प्लीज़, इट रियली हेल्प्स अस एंड मोटिवेट्स अस टू यू नो प्रोवाइड न्यू एंड मोर कॉन्टेंट लाइक दिस ओनली. सो लेट्स बिगिन विद द लास्ट यूनिट एंड यू ऑल लाइक आर हैप्पी कि अब तो ये आखिरी है. तो अगेन मैं फिर से बता दूं, ये वाली यूनिट भी थियोरेटिकल है गाइस. बहुत, मतलब यूनिट 3 एंड यूनिट 4 आर जस्ट वेरी थियोरेटिकल, सो इन्हें अच्छे से याद कर लो. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन सेज लाइक डिफाइन ट्रांसफॉर्मर एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर. सो ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन हमने यहाँ बता दी. ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक, इधर मैंने ऑलरेडी अपने पेन से अंडरलाइन करा हुआ है डबल, तो वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो उन्हें देख लो. तो ट्रांसफॉर्मर इज अ स्टैटिक एसी डिवाइस विच ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट. इन दिस प्रोसेस द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी सेम एंड आवर ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट. इसके अंदर बेसिकली क्या है कि स्टैटिक एसी डिवाइस है जो कि ट्रांसफ़र करता है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक सर्किट से दूसरे सर्किट के अंदर, और इस प्रोसेस के अंदर हमारी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी और हम इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे वोल्टेज को. ट्रांसफॉर्मर हमारा एक नॉन लीनियर एलिमेंट होता है, यानी कि वो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है. नॉन लीनियर की डेफिनेशन हमने यूनिट 1 में ऑलरेडी कर लिया. एंड इन ट्रांसफॉर्मर जो प्राइमरी और सेकेंडरी वैल्यूज हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं. दो टाइप के हमारे ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट, स्टेप डाउन एंड स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, अब हम बात करेंगे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की. स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या हो रहा है, जो लो वोल्टेज है हम उसको हाई वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं. नंबर ऑफ टर्न्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू वोल्टेज. तो हमने क्या किया, हमने लो वोल्टेज टू हाई किया है. ठीक है, और ये रिलेशन हमें पता ही है, ये दोनों रिलेशन इधर मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं. तो अब आगे आएंगे हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के ऊपर. स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के अंदर वोल्टेज हाई वोल्टेज से हम लो पे जा रहे हैं. स्टेप डाउन है तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट होगा, हाई टू लो. वी हैव द नंबर ऑफ टर्न्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द वोल्टेज एंड अगेन हमारे पास ये दो रिजल्ट आए हैं. ठीक है, अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की. सो कंस्ट्रक्शन के अंदर व्हाट ऑल वी हैव इज ये आपका डायग्राम है. इसमें सिंगल फेज एसी सप्लाई आपको गिवन है, यहाँ पे लोड है और ये आप इस तरीके का बॉक्स टाइप बनाते हैं. नाउ अब इसके अंदर इनका बनाने का इनको क्या पर्पस है एंड क्या है. तो कंस्ट्रक्शन आपकी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल हमसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. ठीक है, नाउ अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो अगेन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक भाई अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो. ठीक है, फिर उसी हिसाब से आप लोगों को पॉइंट्स दिए जाएंगे. ओके, सो आप अपनी अटेंडेंस मार्क जरूर कर दीजिएगा. इट कंसिस्ट ऑफ एन आयरन कोर विच इज़ मेड बाय आयरन, ठीक है, और सिलिकन एंड द टू वाइंडिंग्स, वन इज प्राइमरी वाइंडिंग विच इज इन विच सप्लाई इज कनेक्टेड एंड द अदर इज सेकेंडरी वाइंडिंग इन विच लोड इज कनेक्टेड. तो प्राइमरी से हमारा सप्लाई कनेक्टेड होता है और सेकेंडरी से हमारा लोड कनेक्टेड होता है. मैग्नेटिक पार्ट दोनों के लिए कॉमन होता है, सप्लाई सिर्फ प्राइमरी वाइंडिंग से कनेक्टेड होता है. वर्किंग क्या होती है इसके अंदर, एक सिंगल फेज एसी सप्लाई गिवन होती है प्राइमरी वाइंडिंग को, जिसके अंदर सिंगल फेज एसी सप्लाई और अल्टरनेटिंग करंट फ्लो, इसलिए हम जो है प्राइमरी वाइंडिंग को ही देते हैं. थ्रू प्राइमरी वाइंडिंग जो कि एक मैग्नेटिव मोटिव फोर्स डेवलप करता है, एंड इस फोर्स का क्या नाम है, मैग्नेटो मोटिव फोर्स, एंड इसको हम क्या बोलेंगे, MMF, मैग्नेटो मोटिव फोर्स. ये आपका आ चुका है
ठीक है ना, ये आपका आ गया फोर्स मैग्नेटोमोटिव। थोड़ा सा आप ग्रीन करते हैं ना, ये चीज आपको लिखी हुई दिख जाएगी। और अगेन मैं यही बोलूंगी कि नोट्स बनाते हुए चलना थर्ड और फोर्थ यूनिट के, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हमें फैराडे लॉ से क्या पता लगता है कि वेन एवर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड, और आपकी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी आयरन कोर के अंदर। सेकेंडरी वाइंडिंग जो है आयरन कोर से कनेक्टेड होती है, तो ईएमएफ सेकेंडरी वाइंडिंग पे भी आ जाएगी जो कि डिलीवर करेगा करंट ऑन लोड। और इस प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल कहते हैं। इसके अंदर क्या हुआ, हमने एक मैग्नेटोमोटिव फोर्स जनरेट किया, उसकी हेल्प से हमारा जो है सेकेंडरी वाइंडिंग के ऊपर ईएमएफ जनरेट हो गया, और इस प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल कहते हैं।